नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS हिंदी पे। देखिए, ये हमारा जो चल रहा था बायोलॉजी का, उसका ये अंतिम पार्ट है और विविध में ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। और ये कंप्लीट हो चुका है हमारा अब बायो, और आप इनको बढ़िया से अच्छे से दोहराते रहिए, आपको इससे कम से कम 20 क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिल जाएंगे। और एक बात ये बोलनी है कि देखिए, BPSC चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए अगर आप इम्तियाज़ अहमद वाली BPSC वाली जो सीरीज़ है उसको एक बार देख भी लेते हैं, दो बार अगर देख लेंगे आप तो कम से कम एक आइडिया लग जाएगा, कुछ नाम आपको याद रह जाएंगे और वहाँ पे आप आसानी से क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा बहुत भी धुंधला बहुत भी याद आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होने का ये एक फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो कोई चीज़ छोड़ के मत जाइए। और बिहार का स्पेशल तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, उसमें बहुत लिमिटेड काम करना है, और वो है बस वही इम्तियाज़ अहमद की सीरीज़ आप देख डालिए, दो बार कम से कम आपका कम्प्लीट वो क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ से, 20-25 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के या चूर्ण रूप के से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल कैसे है, नमी को सोखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह क्षेत्र जिसमें असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो विज्ञान, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, इनमें से कौन सा पादप उत्पाद है, तो कपूर भी देखिए आपको पादप उत्पाद है, कासनी भी है और वनीला भी है, ये तीनों आपके पादप उत्पाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वन लाइनर ही टाइप का, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, तो बस इनको जल्दी जल्दी सुनते जाना है। नेत्रदान में दाता की आँख के जिस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है वह क्या है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था किसके द्वारा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्योपर कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में प्रत्यारोपण हुआ था। नेक्स्ट है, गति प्रेरक का कार्य क्या होता है, वह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। नेक्स्ट है, पेसमेकर जाना जाता है किसे, SA नोड्स के नाम से ये जाना जाता है, SA नोड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, नेक्स्ट, निर्जलित व्यक्ति को क्या नहीं पीना चाहिए, समुद्री जल। नेक्स्ट है, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, वह अपना घोंसला कहाँ बनाता है, वह बनाता है क्योंकि यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे के निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। ठीक है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प वही है किंग कोबरा। कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी। ठीक है, वह सर्प जिसका भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है वह है नागराज। नेक्स्ट है, वह सांप जो जहरीला नहीं होता है वह है अजगर। देखिए, अजगर जहरीला ही नहीं होता। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक पावलोव जो है उनके कार्यों के लिए किस कार्य के लिए जाने जाते हैं, प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, इयान पावलोव, ये है प्रायोगिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या कारण है, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। नेक्स्ट, पेशी थकान के लिए उत्तरदायी होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जो स्वेद वाष्पण से संबंधित है उसका नाम है उष्मा शोषक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है वो दीर्घकालीन परिवर्तन। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेशिया, ये सब विश्व का सबसे बड़ा फूल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित है ये देखना है, तो देखिए पंखहीन कीट जो है वो रजत मीनाब। ठीक है, उड़ान रहित जो है वो कीवी है। अपाद सरीसृप सर्प एंड फुफ्फुसहीन प्राणी क्या है, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा हो गया, इनमें गिल्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कीवी क्या है, उड़ने में अक्षम पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है, आप देखते होंगे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को कीवी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित क्या है, फल जो है वो अंडाशय, बीज क्या है, बीजांड, और काष्ठ जो है वुड वो तने से, और मण जो है वो पत्तियों से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सुमेलित देखना है, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक की वजह से, खनिज संग्रहण जो है जीव द्रव्य कला, श्वसन जो है सूत्र कणिका, और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वह जिसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, जेसी बोस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है। नेक्स्ट है, एक बीज के अंकुरण के लिए वह तीन परिस्थितियाँ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है, परिस्थितियाँ, पानी है, तापमान है और ऑक्सीजन।
पानी, तापमान और ऑक्सीजन होगा तो बीज के अंकुरण के लिए ये अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी। ठीक है, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक क्या नहीं है, प्रकाश, अंकुरण के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। सुमेलित फिर से देखना है, सिलिकॉन कार्बाइड जो कि कृत्रिम हीरा कहलाता है, कार्बन तंतु वायुयान में यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है, और डाइफ्लोरोमीथेन जो है वो प्रशीतक के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से फिर से सुमेलित करना है तो ऊन जो है वो एक प्रोटीन, रेयन एक तंतु, रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक, और फुलरिन जो है वो कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इस बार UPPCS में भी एक आया था। नेक्स्ट देखिए, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है किसमें, पोस्तों में। नेक्स्ट है, शीत भंडार के फलों और साग सब्जियों का अपघटन जो है वो धीमा हो जाता है शीत भंडारों में। ठीक है, जो प्रशीतक होते हैं वो उसमें इनका जो अपघटन होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए यूज़ किया जाता है। रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रात में। नेक्स्ट देखिए, ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किस लिए करता है, वसा के संग्रह के लिए। बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे कि वहाँ पे पानी के संग्रहण के लिए यूज़ करता है, जो कि गलत बात है, वो वसा के संग्रहण के लिए ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग करता है। बकरी, गाय, हाथी और सुअर में से वह जानवर जो रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता, वह कौन है, सुअर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीव अंत छेपक क्या होता है, वह है वेदना रहित सुई विहीन अंतः छेपक। नेक्स्ट देखिए, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन कैसे संभव है, पुष्पों पर हॉर्मोन्स को छिड़क कर। ठीक है, टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी क्या है, लाइकोपीन। नेक्स्ट देखिए, कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन और लाइकोपीन में से वह जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है तो वो क्या है, लाइकोपीन। और आपका कैप्सेसिन किस लिए है, इससे मिर्च का तीखापन, देखिए सिन है तो इसलिए तीखापन। कैरोटीन से क्या होता है, वो आपको गाजर में पाया जाता है, नारंगी कलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत किस चीज़ के हैं, सिट्रिक एसिड के। नेक्स्ट देखिए, जॉर्विक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय। रॉबर्ट वेब स्टार किस नाम से जाने जाते हैं, किस लिए, इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान के लिए। ठीक है, जोनास सॉल्क देखिए पोलियो के टीके के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी आया था इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सॉल्क टीका। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है, अर्बर स्मिथ जो है वो किससे सुमेलित होते हैं, अंत आंकेद्रन का पता लगाया था इन्होंने, फेल्डमैन जो है वो एग्रोबैक्टीरियम युक्त परजीनी के लिए और पादपों का विकास किया। ठीक है, ये है आपका मुलिस जो कि ये किससे है, पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया था इन्होंने। ठीक है, ये फील्डमैन पादप किस लिए था, एग्रोबैक्टीरियम युक्त परजीनी का विकास किया था इन्होंने। ठीक है, टेमिन और बाल्टीमोर वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया था इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है वो भी, ज्वरनाशी क्या, पैरासिटामोल। फीवर में आप लोग इसको लेते ही होंगे तो समझ आता ही पता ही होगा, इसीलिए इसको देखिए इस तरह की दवा क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक दवा। ठीक है, प्रतिफेन कारक क्या है, पॉलीएमाइड्स, सिलिकॉन्स, और सेलिसिटिक औषधि क्या है, एस्पिरिन, और अस्थि क्षय रोधी क्या है, कैल्सिफेरॉल। ठीक है, जिसमें विटामिन डी होता है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित फिर से करना है, फ्रांसिस कोलिंस किस लिए, मानव जीनोम मानचित्रण के लिए जाने जाते हैं, सर्जी ब्रिन गूगल खोज के लिए, गूगल इंजन जो है, और जिमी वेल्स जो है वो विकिपीडिया के लिए। ठीक है, जीवाणुओं की खोज किसने की, ल्यूवेन हॉक। नेक्स्ट देखिए, सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग क्या करते हैं, पोस्ता के बीज के लिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था क्या, मस्टर्ड गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एजेंट ऑरेंज क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है ये, एजेंट ऑरेंज। नेक्स्ट देखिए, अपर्दन चक्र परिवर्तित किया जाता है, डेविस ने ऐसा बताया अपर्दन चक्र के बारे में, डेविस और पेंक, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। जल फल और सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है ताकि उनका भंडारण काल बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। देखिए यहाँ से वही आ गया, एजेंट ऑरेंज का जिस तरह से किया गया था तो इसका आप एक बार स्टेटमेंट देख लीजिएगा, इससे पहले हम लोग अभी देखे ही। नेक्स्ट है, जल स्रोत में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का क्या कारण है, ये है इफ्लुएंस। ठीक है, बहिश्रावी। नेक्स्ट है, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है तो उसमें क्या हो जाता है, नाइट्रोजनस जो पोषक तत्व होते हैं और ऑर्थोफॉस्फेट के अधिकता के कारण, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट अधिक हो जाता है तो उसमें यूट्रोफिकेशन हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? वृद्धि दर नापने के लिए। लैटिनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मेस्टिजो, मेस्टिजो, ठीक है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है किससे? यूरेनियम लेड विधि से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यूरेनियम लेड विधि से प्राचीन शैल समूहों की आयु आंकी जाती है। नेक्स्ट है, जीवाश्म पौधे और चट्टान में से कार्बन डेटिंग का आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त किस चीज़ का होता है? जीवाश्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्ष की आयु वर्षा में निर्धारित की जाती है कैसे? वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी, बस जल्दी जल्दी पढ़ते जाना इनको। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार किस लिए? जलवाहन के लिए। ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज कार्बनिक पदार्थों में से प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता किसकी है? सेलुलोज की। लीवर फ्लुएक पित्तवाहिनी में क्या रहता है? भेड़ की। ये किस में पाया जाता है? भेड़ में पाया जाता है, ठीक है, लीवर फ्लुएक पित्तवाहिनी। नेक्स्ट है, वह जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है वो क्या है? कोशिका भित्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेला संगम में एक रंजित डायनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्प पुंज होते हैं। ये पुष्प पुंज क्या कहलाते हैं? लाल ज्वर, ब्लूम्स जो हैं वो लाल ज्वर कहलाते हैं, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, गिरगिट जो है वो एक आंख से आगे की ओर और उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। और गलत क्या है, वो है कि साधारण नीलहरित शैवाल एस्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों में महासागरों दोनों में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। नेक्स्ट देखिए, माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नकृत स्थलों के पुनर्वासन में प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या क्या किया जा सकता है? वो है सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है, ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पादप आलय जो है वह एक सुविधा है कैसा? नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। तो पादप आलय है, पौधों का घर है। नेक्स्ट है, एक कीट के शरीर से निकला स्राव क्या है? वो है लाख। एक समुद्री जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यह परिघटना क्या कहलाती है? बायोल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनेसेंस। बायोस हो गया पादप जंतु जीव, ये सब, और ल्यूमिनेसेंस हो गया प्रकाश, तो वो उसी सब नाम को अटैच कर दिया गया है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है, तो वो है विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट आपकी सही है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक और अधिक पानी, इसीलिए देखिए पंजाब और हरियाणा में भी पानी की बहुत कमी हो गई, ग्राउंड वाटर बहुत ही नीचे जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित हरित क्रांति वो खाद्यान्न के लिए था, श्वेत क्रांति दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के लिए, पीत जो है वो तिलहन के लिए, और नीली क्रांति मत्स्य के लिए, ठीक है। हरित क्रांति में प्रयुक्त पादप उत्पाद फसल था कौन सा था? मैक्सिकन गेहूँ, ठीक है। फसल लोमिंग विधि क्या है? ये फल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण किया जाता है, उसी को कहते हैं फसल लोमिंग, फसल लॉगिंग इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है वो कहलाता है संकर बीज। धान के खेत से निकलने वाली गैस है कौन सी? मिथेन। धान के पौध उगाने की डैपाग विधि किससे संबंध विकसित कहाँ हुई थी? फिलीपींस में। डैपाग विधि कहाँ हुई थी? वह फिलीपींस में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी थी? उसका क्या नाम था? जया। तो देखिए, जया और प्रथम बौना, इससे आप मतलब ध्यान रख सकते हैं। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक क्या है? 2,4-D, ठीक है। पौधों का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है तो क्या है? पर्ण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट भक्षी मछली कौन सी है?
गैम्बूसिया, देखिए गैम्बूसिया को ही यूज़ किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है अभी मच्छरों को कमी करने के लिए भी। तो ये कौन वो क्या करते हैं, वो मच्छर को खा जाते हैं, तो उनका क्या नाम है, गैम्बूसिया। तालाबों और कुओं में जिसे छोड़ने से मच्छर, वही है गैम्बूसिया फिश, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं, वायु शोषण। इसको कहते हैं आपकी एयरेशन या एयर श्वसन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है सक्रिय उपर्जित असंक्रमता, किसकी किसका परिणाम है, एंटीबॉडीज़ के उत्पादन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट में, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है, ठीक है। और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट रूप से देखने में सहायता मिलती है, ठीक है। ठीक है, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है किससे, फैगोपायरम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुमेलित करना है, रदरफोर्ड एटम बम, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट एंड कार्टराइट पावरलूम, ग्राहम बेल टेलीफोन, ये सभी ये नाम आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए। इस बार भी UPSC में क्वेश्चन इससे आया हुआ था। नेक्स्ट देखिए अनुवांशिकी में उपलब्धि और वैज्ञानिक को सुमेलित करना है, जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज कौन किया, लैंडरबर्ग। नेक्स्ट है यौन संलग्न वंशागत की स्थापना किसने की, मॉर्गन। ईकोलाई से DNA पॉलीमरेज का वियोजन कौन किया, कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट है संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना कौन किया, खुराना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सही सुमेलित करना था, उसमें ये था कि लाइगेसेज, ये आपका सुमेलित होता है आणविक सीवन कार से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केसर मसाला जो है सैफ्रन स्पाइस बनाने के लिए पौधों का जो भाग उपयोग किया जाता है वो क्या है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। नेक्स्ट देखिए पुदीना के जिस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है वो क्या है, पत्ती, पत्ती ही यूज़ की जाती है। तंबाकू एवं उसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला देश कौन सा है, भूटान, क्यों, ये देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस करता है तो इस तरह के उत्पादों पे रोक भी लगा देता है। नेक्स्ट देखिए उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का वह प्रकार जो सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है वो क्या है, सूक्ष्म जीवों में, वो है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आज का कंप्लीट होता है सेशन, और अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सीरीज़ रखी हुई है हमारे इस उसमें चैनल पे प्लेलिस्ट लगी हुई है उनको आप बार बार अपना देखते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, और अब समय रिवीजन का ही है, एक बार बस देखते जाइए, और जो 15 दिन का प्लान था उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसी चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।